दोस्तों फाइनली TVS की अपाची RTR 125 का फर्स्ट लुक टीजर आउट कर दिया गया है। साथ में ही इसका एग्जॉस्ट नोट भी कंपनी ने यहां पे हमें सुनाया है। वहीं इसके लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो कंपनी ने यहां साफ डिटेल्स को आउट कर दिया है कि नेक्स्ट वीक में मतलब 16 सितंबर को ये बाइक लॉन्च हो रही है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ फर्स्ट लुक से आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो मैं इसको स्लो में करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फेस लुक में मॉन्स्टर का लुक में यहाँ पे फेस का हेडलाइट देखने को मिलता है, जहाँ आप देखेंगे तो दो गो आँख और एक मुंह बना हुआ देखने को मिलता है। बाकी जो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो DRL आपको सेपरेट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो बात करें तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसका आप इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे येलो कलर का आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वहाँ पर आप अगर देखते हैं तो जो पहले की तरह अपाची की RTR 200 या 160 है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके सामने जो वाइज़र होता है छोटा सा, वो वाइज़र यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मतलब ओल्ड मॉडल की तरह ही इसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलता है। बाकी अगर इसके फेयरिंग बात करें तो जो अभी करंट की TVS की अपाची RTR चल रही है उसके हिसाब से इसको बल्कि लुक दिया गया है, उसी शेप में इसको बनाया गया है। हो सकता है नया कलर नया ग्राफिक्स के साथ इसको लॉन्च किया जाए जिससे ये 125 cc की होने वाली है। 125 cc का आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये अपडेट तो मिल चुका है कि ये इस तरह की देखने में लगने वाली है। अब बाकी जो अभी फर्स्ट लुक जारी किया गया है उसमें काफ़ी अच्छी ये बाइक देखने में लगने वाली है। तो फाइनली काफ़ी समय से इस बाइक का इंतज़ार किया जा रहा था इंडियन मार्केट में, अब ये बाइक आने वाली है। इसके आगे कुछ भी डिटेल्स मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राइड विथ बाइक।